नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राजदूत गारसोटी ने भारत और यूएस के रक्षा सहयोग पर दिया जोर, कहा हम चाहते हैं इंडिया रहे सुरक्षित। मणिपुर मामले के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी इम्फाल में डेरा डाला हुआ है, जहां ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महिला प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कंबोडिया के राजा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करके न्यायिक अधिकारियों को बदनाम नहीं किया जा सकता है। याचिका में आरोपी के सजा को कम करने की मांग की गई थी। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने आज बड़ा ऐलान किया, जहां बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि वह अपने जीते हुए सभी मेडल को गंगा नदी में बहा देंगे और अपने मेडल फेंकने के बाद इंडिया गेट पर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। दोस्तों, अगली खबर पर चलने से पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो आपके जानने वाले लोगों तक भी पहुंच सके और वे भी इसे देख सकें। CDS अनिल चौहान ने कहा कि उत्तरी सीमा पर चीन दे रहा है चुनौती, लेकिन सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई को हमारी उड़ान AI-82 में एक बदतमीज यात्री था। उड़ान के दौरान यात्री ने चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और उनमें से एक पर शारीरिक हमला किया। अब खुलेंगे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ मामले के राज, जहां आरोपियों से प्रतापगढ़ जेल में फिर पूछताछ करेगी SIT, वहीं सभी सवालों का प्रामाणिक और संतोषजनक जवाब न मिलने पर आरोपियों की नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी भी की जाएगी। अभियुक्तों से पूछताछ के लिए न्यायिक आयोग भी आ सकता है। CRPF के एक जवान ने दी पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी, बार बार फोन पर फैलाई दहशत, पुलिस ने सहरसा से आरोपी को किया गिरफ्तार। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके के साक्षी मामले में आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुए बस हादसे के बाद अमृतसर के प्रीत एवेन्यू में छाया मातम, मुंडन कराने जा रहे एक ही परिवार के सभी सदस्यों की गई जान। हरियाणा के जिंद में बिजली मंत्री ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ काफी शिकायतें हैं, पहले भी उसके खिलाफ शिकायतें आती रही है। झारखंड के पोड़ैया हाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव से जुड़े 12 ठिकाने पर आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। इन ठिकानों में रांची के 4 व देवघर के 8 ठिकाने शामिल है। ईडी की यह छापेमारी पूर्व में आयकर विभाग की छापेमारी में मिले इनपुट के आधार पर चल रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लिया है। चुनाव से पहले लिए गए इस लोन को सेक्शन भी कर दिया गया है, जिसकी राशि मंगलवार को राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। साल 2023 के इन 5 महीने के मध्य प्रदेश सरकार अब तक 25,000 करोड़ रुपए लोन ले चुकी है। जस्टिस MS रामचंद्र राव बने हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दिलाई शपथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए हिंदू कर्मचारी मामले पर जितेंद्र सिंह ने की निंदा, कहा टारगेट किलिंग रोकने पर हो कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रति एकजुटता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहलवानों को प्रताड़ित किया गया, मैंने पहलवानों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र के पुणे लोकसभा उपचुनाव की जल्द घोषणा हो सकती है, इसका संकेत देते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने कुछ दिन पहले ही मॉक पोल कराया है। बता दें कि कुछ महीने पहले BJP सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सोशल मीडिया यूजर दावा कर रहे हैं कि वायरल वीडियो गुजरात का है, जहां ट्रैफिक पुलिस बाइक सवार को बेरहमी से पीट रहा है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सहमति को लेकर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राजस्थान में कोई विवाद नहीं है, दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ना तो अशोक गहलोत और ना ही सचिन पायलट ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान दिया, जिस कारण राजस्थान के लोगों में दुविधा बनी हुई है और इसका फायदा BJP को होता दिख रहा है।
धूल मिट्टी की वजह से अक्सर चेहरा डल हो जाता है, जिसकी वजह से निखार कम होने लगता है। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं, तो आधे चम्मच चंदन पाउडर में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच गुलाब जल को मिक्स करके इसका फेस पैक बना लें और अब इस लेप को अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद जब पेस्ट सूख जाए तो साफ पानी से अपना मुंह अच्छी तरह धो लें। इसके बाद हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज करें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 31 मई तक एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के चरखारी थाना अंतर्गत गोरहरी ग्राम में चल रहे विष्णु महायज्ञ में सेवा कार्य में लगे मोनू तिवारी के साथ बदतमीजी की गई और उसके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर मोनू तिवारी ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपितों में अनमोल उर्फ रहमान मोहम्मद, सुशील चौरसिया, ऋतु राजपूत और पवन अहिरवार शामिल है। दोस्तों, मुझे पता है कि अब तक आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को लाइक भी किया है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी किया है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ना तो वीडियो को लाइक किया है, ना ही कमेंट किया है और ना ही शेयर किया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।